नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास जिले के अकोड़ीगला प्रखंड ततलार से देवघर व बासुकीनाथ धाम के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के बक्सर प्रभारी व समाजसेवी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह व अकोड़ीगला प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद नीतू सिंह ने हजारों कंवरियों का जत्था लेकर ग्राम ततलार से चलकर डालमिया नगर होते हुए डेरी झारखंडी मंदिर में पूजा कर बोल बम का जयकारा के साथ नाचते झूमते दर्जनों गाड़ियों पर सवार देवघर के लिए रवाना हुए। वहीं राजीव रंजन के अनुसार देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। उनकी आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। हम लोग देव और पूजन में मेरी बहुत आस्था है। इसी के साथ हमसे जितना बन सकेगा सब उन्हीं की देन है। भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग इतने भाई एक साथ मिलकर हम लोग अपने क्षेत्र में सुखद समृद्ध और निरोग होने की कामना लेकर अपने क्षेत्र से जाते हैं कि हम लोग सदा निरोग रहें, समृद्ध रहें, हमारा क्षेत्र अग्रसर हो। यही बाबा भोलेनाथ की कामना के साथ हम लोग अपने घर से सुल्तानगंज से देवघर जल यात्रा हम लोग तय हो। इसमें गुरु जी महाराज को भी स्पर्श करते हुए उनके जितने भी हमारे गुरु जी महाराज हैं उनको भी हम लोग मैं अपने तरफ से चरण स्पर्श करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ हम लोग की सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हम लोग सफलता पूर्व दर्शन करके बाबा भोलेनाथ के अपने घर को आए। इस दौरान अकोड़ीगला पूर्व जिला पार्षद नीतू सिंह ने बताया कि बासुकीनाथ अपने आप में शिव भक्ति के रूप में मंदिर के लिए जाना जाता है। बैजनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते हैं। हालांकि यह मान्यता हाल फिलहाल में ही प्रचलित हुई है। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, न ही पुराणों में ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर चरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहां पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है। वही इस मौके पर त्रिडंडी महाराज के शिष्य श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज ने बैजू मंदिर का व्याख्यान करते हुए बैजनाथ धाम के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि बाबा बैजनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में तीन और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैजनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिवलिंग स्वरूप में स्थापित है। आप देख सकते हैं किस तरह से ततड़ार से चलकर डालमिया नगर होते हुए झारखंडी मंदिर ये जत्था पहुंचा। अब यहां से कुछ ही पलों में रवाना होगा बोलबम के जयकारे के साथ बैजनाथ धाम के लिए, जो सुल्तानगंज से जल लेकर के सीधे पैदल यहां से पूरे जत्था जाएगी, वहां जल चढ़ाएगी बाबा के दरबार में, माथा टेकेगी, उसके बाद अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा से अर्जी लगाएगी। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से झूमते गाते, किस तरह से नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह, कितने उत्साह में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिसका नेतृत्व सोनू सिंह और
पूर्व जिला पार्षद अकोड़ी गोला नीतू सिंह के द्वारा किया जा रहा है। ये निःशुल्क सारे भक्तों को यहाँ से बैजनाथ धाम के लिए गाड़ियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। सुरक्षित रास्ते में भोजन खाना सारा व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सोनू सिंह उत्साहित हैं, देखिए किस तरह से झूम रहे हैं, आप सीधे तस्वीरों में देखिए। Yeah.
महाराज की बोला बोला जगद्गुरु श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की बोला बोला कावर यात्रा के हम श्री सुंदर भगवान की जय संसार में शतपुत्र कहलाने का वही अधिकारी है जिसका पुत्र जिस माताओं का पुत्र शतपुत्र हो यानी भगवत भक्त हो भगवान नारायण संबंधित ईश्वर संबंधित देव संबंधित जो कार्य करे उसी का नाम सतपुत्र होता है। ऐसे हमारे बड़े ही श्री जी के प्रेमित हैं हमारे प्रमुख साहब ललन सिंह जी उनके पुत्र श्री सोनू सिंह जी। जैसा कि हमको पता चला कि जब प्रमुख साहब थे तो 25 वर्षों तक वो लगातार यात्रा किए थे यहाँ से बैजनाथ धाम में नहीं जाया करते थे और उसके बाद में जब हमारे सोनू सिंह जी यानी कि जो यज्ञ के अध्यक्ष भी हैं जब ये जाने लगे तो प्रमुख साहब जाना बंद कर दिए। और बड़े सौभाग्य की बात तो है कि अकेले तो यात्रा सारे लोग करते हैं लेकिन यात्रा करने से यात्रा कराने का महत्व ज्यादा होता है। वैसे हमारे सोनू सिंह जी आप सभी लोगों को लेकर के पुत्र का जो रक्षण है उसके अनुसार किरदार को निभाते भी आप करते रहे ऐसा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। अब हम आग्रह करते हैं सोनू जी से भी ज्यादा समय न लेकर ठीक 7 सेकंड में कुछ बोल दें। हम लोग एक आस्था के साथ जैसा कि हमारे गुरु जी महाराज ने कहा कि हमारे पिता स्वर्गीय नारायण सिंह जी हम लोग को हमेशा सिखाए थे कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ईश्वर और देव तुल्य जो भी गुरु जी महाराज हैं उनकी आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो हम लोग देव और पूजन में मेरी बहुत आस्था है। इसी के साथ आपसे जितना बन सकेगा सब उन्हीं की देन है। भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग इतने भाई एक साथ मिलकर हम लोग अपने क्षेत्र में सुखद समृद्ध और निरोग होने की कामना लेकर अपने क्षेत्र से जाते हैं कि हम लोग सदा निरोग रहें समृद्ध रहें हमारा क्षेत्र अग्रसर हो यही बाबा भोलेनाथ की कामना के साथ हम लोग अपने घर से सुल्तानगंज से देवघर जल यात्रा हम लोग तय हो इसमें गुरु जी महाराज को भी स्पर्श करते हुए उनके जितने भी हमारे गुरु जी महाराज हैं उनको भी हम लोग मैं अपने तरफ से चरण स्पर्श करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ हम लोग की सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हम लोग सफलता पूर्व दर्शन करके बाबा भोलेनाथ के अपने घर को आए और अपने अपने लिए अपने क्षेत्र के लिए बाबा भोलेनाथ से पूरा आशीर्वाद जरूर मांगे और उसके बाद हम लोग यहाँ एक जग भी हो रहा उसमें भी हम लोग सब की सहभागिता हो और हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में उन्नति के लिए तरक्की के लिए हम लोग अग्रसर हो। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय पार्वती की जय। बड़ा श्री विश्वाज राज संस्कार भगवान